हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं सीए सत्यरंजन स्वाई एंड मैं आपका टैक्सेशन पेपर पढ़ाऊंगा एंड हम जो भी पढ़ेंगे सब एनर्जेटिक एंड अच्छा सा लेक्चर सब पढ़ेंगे। तो पहले आपका जो टैक्सेशन पेपर, ये मेनली इंटर लेवल में पेपर नंबर 4 होता है, ठीक है। मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ टैक्सेशन पेपर के बारे में। तो ये आपका इंटर लेवल में, इंटरमीडिएट में ये आपका पेपर नंबर 4 है, पेपर नंबर 4 है जो कि 100 मार्क का आता है, ठीक है। टैक्सेशन पेपर 100 मार्क्स का आता है एंड हम इसमें हम अज्यूम करेंगे कि 80 प्लस हमारे पास आप क्लासेस ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि आप 80 प्लस ही 80 प्लस मार्क रखेंगे इनकम टैक्स एंड जीएसटी में, जो कि टैक्सेशन पेपर पेपर नंबर 4 में। क्योंकि हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि आपको भी लॉजिकली पता चल जाएगा कि हाँ हम एलिजिबल है 80 प्लस रखने के लिए एंड अगर दोनों ग्रुप आप दे रहे हैं आप कंपल्सरली रैंक होल्डर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनने पड़ेगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप 80 प्लस रखेंगे एग्जाम में। तो चलो ये जो टैक्सेशन पेपर है अगर देखेंगे ये आपका एग्जाम में, आप मत कुछ मत लिखिए, आप ओनली सुनिए जो भी मैं बोल रहा हूँ। तो ये जो टैक्सेशन पेपर ये आपका एग्जाम में 100 मार्क का आता है, 100 मार्क का आता है। तो उसमें उसमें ये जो आएगा आपका लॉन्ग टाइम क्वेश्चन, लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आएगा वो आएगा 70 मार्क, ठीक है। लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आएगा 70 मार्क एंड एमसीक्यू, ठीक है। एमसीक्यू आएगा 30 मार्क। तो इसका रेशियो रहेगा, इसका रेशियो रहेगा 70 मार्क आएगा लॉन्ग टाइम क्वेश्चन एंड एमसीक्यू आएगा 30 मार्क, 30 मार्क आएगा। उसके बाद हमारा जो टारगेट रहेगा ये 30 मार्क के ऊपर, हमारा जो टारगेट रहेगा ये 30 मार्क के ऊपर, क्योंकि हम अगर ये 30 से 30 ले आएंगे तो यहां से आपका 30 हो गया है, 30 मार्क हो गया है एंड ये जो 70 मार्क से आप कंपल्सरली इजीली 50 प्लस मार्क आ जाएगा, ठीक है। इसमें 50 प्लस मार्क आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें 50 प्लस मार्क आ जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों अगर ऐड करेंगे तो आपका 80 प्लस आ जाएगा, एमसीक्यू में 30 से 30 आ जाएगा एंड आपका जो लॉन्ग टाइम क्वेश्चन उसमें 80 प्लस आ जाएगा। एंड आपको जो भी हम नोट प्रोवाइड करेंगे, नोटबुक प्रोवाइड करेंगे एंड उसके मेन ऊपर लिख लीजिए 80 प्लस लिख लीजिए, क्योंकि आपका जो भी टारगेट है वो है 80 प्लस। तो इसीलिए आपका जो नोट हम प्रोवाइड किए हैं उसमें लिख लीजिए 80 प्लस, ठीक है। 80 प्लस प्रोवाइड मिल जाएगा आपको, बट प्रोवाइडेड आपको जो भी मैं आपको बताऊंगा उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। तो ये था। उसके बाद ये जो टैक्सेशन पेपर, इसमें दो आता है, दो पेपर आता है, एक है इनकम टैक्स और एक आता है जीएसटी, ठीक है। ये जो टैक्सेशन में आपका दो पेपर आता है मेनली, अगर इसको दो कैटेगरी में ये आता है टैक्सेशन में, एक आता है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स और एक आता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको हम जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको हम जीएसटी बोलते हैं। जीएसटी आप लोगों को पता होगा, जीएसटी जीएसटी अब सब चल रहा है जीएसटी एंड ये इनकम टैक्स आपका आएगा 60 मार्क एग्जाम में आता है, कवर करता है एंड ये जीएसटी 40 मार्क एग्जाम में कवर करता है, ठीक है। 60-40 रेशियो रहेगा ये इनकम टैक्स एंड जीएसटी एंड इसमें से ये टोटल अगर ऐड करेंगे तो वहां पे 70 मार्क आएगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन एंड 30 मार्क आएगा आपका शॉर्ट टाइप जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एंड आपको 80 प्लस लाना है। 80 प्लस कैसे लाएंगे, तो उसके लिए मैं जो आपको बेनिफिट प्रोवाइड कराऊंगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये बेनिफिट से आपका जरूर आ जाएगा 80 प्लस। उसके बाद हम क्या प्रोवाइड करेंगे आपको, हम प्रोवाइड करेंगे आपको यहाँ पे इनकम टैक्स एंड
यहाँ पे है जीएसटी जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इनकम टैक्स के लिए दो बुक्स प्रोवाइड करेंगे एंड जीएसटी के लिए दो बुक्स प्रोवाइड करेंगे। एंड इसमें जो दो बुक्स है, एक है आपका मेन बुक जिसको आप बोल सकते हैं आपका कॉम्पैक्ट बुक, और एक रहेगा क्वेश्चन बैंक। ठीक है, क्वेश्चन बैंक रहेगा एंड ये जो क्वेश्चन बैंक में आपका एमसीक्यू भी रहेगा। ठीक है, प्लस एमसीक्यू उसमें क्वेश्चन बैंक में रहेगा। एंड ये जो जीएसटी में भी एक मेन बुक रहेगा एंड और एक रहेगा क्वेश्चन बैंक रहेगा, क्वेश्चन बैंक रहेगा एंड वो आपका एमसीक्यू के साथ आ जाएगा। ठीक है, जीएसटी में भी क्वेश्चन बैंक के साथ आपका एमसीक्यू को भी हम इंक्लूड करेंगे। तो ये था, आपको बुक प्रोवाइड करेंगे और उसके साथ आपको और क्या एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, इसके साथ आपको दो नोटबुक मिलेगा, टू नोटबुक मिलेगा जिसके हेल्प से आप जो भी लिख सकते हैं। दो नोटबुक मिलेगा, एक जीएसटी के लिए और एक है इनकम टैक्स के लिए। दो नोटबुक मिलेगा जिसको आप कॉपी भी बोल सकते हैं एंड एक पेन मिलेगा। ठीक है, हमारे तरफ से ये सब बेनिफिट आपको मिलेगा जो कि फिजिकली है। ठीक है, फिजिकली ये सब बेनिफिट मिलेगा। और क्या मिलेगा आपको, ये जो क्लासेस दो वर्षन में अवेलेबल हो जाएगा, ये जो क्लासेस दो वर्षन में अवेलेबल हो जाएगा, पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव के। तो आप पेन ड्राइव जो लेंगे एंड गूगल ड्राइव, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, कोई भी या कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, आप जितना नो रेस्ट्रिक्शन उसमें जितना बार हो सके उतना बार आप देख सकते हैं, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पर व्यूअर के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है एंड कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, नो टाइम लिमिट। आप चाहे तो 1 साल के बाद भी उसको देख सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है एंड कुछ उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन हम सॉफ्टवेयर कुछ नहीं डाले हैं, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए ही हम इसको प्रोवाइड किए हैं एंड अनलिमिटेड व्यू आप कर सकते हैं। एंड उसके साथ आप, अगर आपको लगता है कि आपके जो फ्रेंड जिसका फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ा लो है, उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। मैं आपको फ्रीली बोल रहा हूँ, आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं, कोई मैं आपके ऊपर केस नहीं करूंगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया के हर बच्चे पास हो, चाहे वो कोई भी बेनिफिट से वो पास हो जाए। तो इसलिए आप चाहे तो, आपको अगर लगता है कि जेन्युइन प्रॉब्लम है उसका, आपका फ्रेंड या कोई आपको अगर लगता है जेन्युइन प्रॉब्लम है उसका, तो उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं, ये जो पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव को क्लासेस को शेयर कर सकते हैं, मेरा कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं केस भी नहीं करूंगा आपके ऊपर। ये था, गूगल ड्राइव एंड पेन ड्राइव इसमें मिलेगा, प्लस आपको यहाँ पे क्लासेस मिलेगा, टोटल टोटल क्लासेस मिलेगा, ये टैक्सेशन में टोटल क्लासेस मिलेगा 120। ठीक है, लगभग 120 क्लासेस में हो जाएगा एंड जिसमें जिसमें जीएसटी रहेगा, जो इनकम टैक्स पहले रहेगा वो रहेगा 65, ये रहेगा 65 क्लासेस एंड जीएसटी रहेगा वो 55, लगभग 55 क्लासेस लगेगा। ठीक है, एंड इसमें आपका क्लासेस का जो ड्यूरेशन आएगा वो 1.5 घंटा से आवर से 2 घंटे के बीच आएगा, 2 घंटे के बीच ये जो क्लासेस आएगा। मेनली जीएसटी का जो आवर वो कम रहेगा एंड इनकम टैक्स का जो भी आवर वो थोड़ा ज्यादा रहेगा, वो उसके जो वेरिएबल हो रहेगा एक 1.5 आवर से 2 आवर्स के बीच यह आ जाएगा। ठीक है, 1.5 घंटा से 2 घंटे के बीच ये जो क्लास का ड्यूरेशन आ जाएगा। उसके बाद हमारे तरफ से क्या क्या बेनिफिट रहेगा, जिससे आपको भी लॉजिकल लगेगा कि हम 80+ रखने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो बेनिफिट क्या रहेगा। तो मेन जो प्रॉब्लम होता है बच्चे को, क्या प्रॉब्लम होता है बच्चे को, प्रॉब्लम होता है जब कोई भी टैक्सेशन पेपर देके एग्जाम से आते हैं, वो बोलते हैं कि पेपर टॉप था या उसका मार्किंग टॉप होता है। बट मैं अगर देखेंगे, मैं अगर देखूंगा जो मेन प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो है रिवीजन का कमी। बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाते हैं
एंड उनका जो कॉन्सेप्ट वो क्लिक सही से नहीं होता है एग्जाम में, एंड उसको कैसे अडॉप्ट करेंगे एग्जाम में वो उनको पता नहीं चलता है, तो इसीलिए उनका स्कोर अच्छा नहीं होता है टैक्सेशन पेपर में। इसीलिए हम खास करके हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा रिविजन के ऊपर, रिविजन के ऊपर हमारा जो मेन फोकस रहेगा। इसीलिए हम रिविजन प्रोवाइड करेंगे, कितना बार रिविजन प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हम रिविजन प्रोवाइड करेंगे जो कि है मिनिमम 8 टाइम्स, जो कि इंडिया में कोई इतना बार रिविजन नहीं देता है, मिनिमम 8 टाइम्स एंड क्लास में इटसेल्फ, इन क्लास इटसेल्फ हम 8 टाइम्स मिनिमम, 8 टाइम्स मिनिमम हम रिविजन करेंगे, एंड वो मैक्सिमम भी 12 टाइम्स तक जा सकता है। ठीक है, 12 टाइम्स तक जा सकता है, क्योंकि हम क्लास में बहुत बार ऐसे ही रिविजन करते हैं। बट 8 टाइम्स कैसे होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, 8 टाइम्स कैसे होगा। तो 8 टाइम्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ, पहले आपका जब क्लास शुरू होगा, स्टार्ट ऑफ द क्लास में, क्लास में हम 3 टाइम्स करेंगे। ठीक है, 3 टाइम्स रिविजन करेंगे, एंड ये एवरीडे 3 टाइम्स ही होगा। ठीक है, रिविजन 3 टाइम्स होगा। उसके बाद जब क्लास खत्म होगा, एंड ऑफ द क्लास में जब क्लास खत्म होगा, तो एंड ऑफ द क्लास में वहां पे रहेगा कितना टाइम्स, यहाँ पे रहेगा 2 टाइम्स रिविजन रहेगा, 2 टाइम्स रिविजन रहेगा। उसके बाद हम जब कोई भी चैप्टर खत्म होता है तो उस होल चैप्टर को, होल चैप्टर को हम बारीकी से अच्छे से रिविजन करते हैं। जब आपका पूरा चैप्टर खत्म होगा, होल चैप्टर को हम, होल चैप्टर हम 1 टाइम्स रिविजन करेंगे। उसके बाद आपका जब वो चैप्टर खत्म होगा तो वहां पे 2 टाइम्स सिनोनिम्स यूज करके हम, सिनोनिम्स यूज करके हम पूरा चैप्टर को कैसे आपका, कैसे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज होगा उसको भी हम 2 टाइम्स वहां पे भी रिवाइज करेंगे। पूरा सिनोनिम्स को यूज करके, जैसे हम पूरा चैप्टर को, पीजीपीपी को हम छोटे सिनोनिम्स के हेल्प से हम पूरा उसको याद रखेंगे, तो यहाँ पे टोटल हो जाता है आपका 8 टाइम्स हो जाता है। एंड क्लास में ऐसे ही हम बहुत बार रिविजन कर लेते हैं, जब पढ़ाते हैं वहां पे भी बहुत बार रिविजन कर लेते हैं। तो आपको मैं वादा करता हूँ कि मिनिमम 8 टाइम्स रिविजन होगा, जो कि इंडिया में कोई टीचर प्रोवाइड नहीं करते हैं, हम उसको प्रोवाइड करेंगे 8 टाइम्स मिनिमम, एंड ये हर क्लास में रहेगा मिनिमम 8 टाइम्स। तो इससे आपका क्या बेनिफिट होगा, इससे आपका पूरा हर एक कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा, एंड हर आप जब क्लासेस शुरू होगा तो वहां पे भी आप पूरा तैयार हो गएंगे। जब भी आपको कोई टेस्ट के लिए पूछेगा तो आप पूरा तैयार हो गएंगे टेस्ट देने के लिए, एंड जब एग्जाम में जाएंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन को जब देखोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट माइंड में आ जाएगा, एंड सोचने के लिए नहीं मिलेगा टाइम, उससे आप 100% मार्क एग्जाम में अटेंड कर पाएंगे। बच्चे क्या करते हैं, 100% मार्क अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए उनका जो एग्जाम खराब होता है। तो आपका क्या होगा, आपका 100 मार्क पूरा कंपल्सरी आप अटेंड करेंगे, एंड 10-20 मिनट पहले आप खत्म कर लेंगे 100 मार्क। ये मैं आपको वादा करता हूँ, अगर आप मेरे जो टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा उसको अगर सही से आप अटेंड करेंगे तो आपका 100 मार्क कंपलसरी अटेंड कर पाएंगे। तो रिविजन आपका बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ये जो सी ए स्टूडेंट के साथ, तो रिविजन ये रहेगा आपका पहला बेनिफिट। उसके बाद और भी बेनिफिट क्या है, यहाँ पे बेनिफिट में हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करेंगे, जो रैंकर्स स्ट्रैटेजी, ठीक है, रैंकर्स स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करेंगे, जो कि अभी इंडिया में कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा है ये जो रैंकर्स स्ट्रैटेजी। हर कोई बोलता है कि हम रैंकर्स स्ट्रैटेजी बताएंगे, बट कोई नहीं बताता है, तो हम आपको रैंकर्स स्ट्रैटेजी बताएंगे, एंड वो भी हर एक क्लास में, ईच क्लास में एक रैंकर्स स्ट्रैटेजी बताएंगे। जब क्लास खत्म होगा तो वहां पे आपको एक 1 रैंकर्स स्ट्रैटेजी बताएंगे, 1 स्ट्रैटेजी, या उसको आप स्टॉडिटिव्स बोल सकते हैं, आपको स्ट्रैटेजी या स्टॉडिटिव्स बताएंगे हर एक क्लास में। तो ऐसे आपको 120 स्टॉडिटिव्स बताएंगे, तो ऐसे आपको 120 स्टॉडिटिव्स बताएंगे, क्योंकि 120 क्लासेस है, तो 120 क्लासेस के लिए हम आपको, 120 क्लासेस के लिए आपको हम 120 स्ट्रैटेजी बताएंगे, जो कि इंडिया में अभी कोई नहीं बता रहा है। एंड ये जो स्ट्रैटेजी स्टॉडिटिव्स रहेगा, इसमें आपका फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम आएगा ये सब आपका सॉल्व करेगा, ये जो प्रॉब्लम रिलेटेड टू आर्टिकल से भी आप पढ़ाई या आपका लाइफ में अगर कोई बेटरमेंट के लिए, ये सब स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करेगा जिसको रैंकर्स फॉलो करते हैं।
एंड बहुत सारा इंटरव्यू में मैं जो रैंकर्स के साथ इंटरव्यू लिया था, तो उसमें से मैं आपको प्रोवाइड करेगा ये जो रैंकर स्ट्रैटेजी, तो ये आपको बेनिफिट करेगा आपका लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है एंड एग्जाम में आप कैसे फेस करोगे एग्जाम हॉल को, बहुत सारा प्रॉब्लम 120 स्ट्रैटेजी जो कि कोई नहीं बताता है, ये आपको प्रोवाइड कराऊंगा एंड ये आपका जो बेनिफिट एंड स्ट्रेस ये आपका कम कर देगा एंड आपका जो क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ा देगा ये जो स्ट्रैटेजी, ठीक है। एंड ये सीक्रेट स्ट्रैटेजी कोई नहीं बताता है एंड ये आपके लिए ओनली है, आप अगर क्लासेस लिए हैं तो आपके लिए ये ओनली सत्यरंजन क्लासेस के स्टूडेंट के लिए आपको प्रोवाइड होगा। उसके बाद और क्या मिलेगा, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपको टेस्ट प्रोवाइड होगा। टेस्ट कितना टेस्ट यहाँ पे मिलेगा, 28 टेस्ट मिलेगा आपको, जो कि फ्री में मिलेगा, पूरा फ्री मिलेगा, 28 टेस्ट पूरा फ्री मिलेगा जो कि कोई नहीं प्रोवाइड करता है। मैं जो भी आपको एडिशनल बेनिफिट दे रहा हूँ ना, कोई नहीं प्रोवाइड करेगा एंड ओनली आपको पढ़ा देगा। तो 28 टेस्ट मिलेगा, इसमें से इनकम टैक्स में टेस्ट कितना है, इनकम टैक्स के लिए आपका हर चैप्टर के लिए टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट रहेगा, तो वहां पे इनकम टैक्स के लिए आपको 14 टेस्ट रहेगा, 14 चैप्टर के लिए 14 टेस्ट रहेगा एंड ये जो टेस्ट चैप्टर वाइज ये वैरी करेगा 20 मार्क या 30 मार्क, क्योंकि अगर बड़ा चैप्टर होगा तो 30 मार्क, अगर छोटा चैप्टर होगा तो वहां पे 20 मार्क का मिलेगा। उसके बाद जीएसटी के लिए आपको मिलेगा यहाँ पे 11 टेस्ट मिलेगा, ठीक है, जीएसटी के लिए 11 टेस्ट मिलेगा एंड उसमें आपको 20 से 30 मार्क वैरी करेगा ये जो मार्क का टेस्ट मिलेगा एंड ये जो टेस्ट आपको हर एक जब चैप्टर खत्म होगा तो उस चैप्टर खत्म होने के बाद आपको 2 दिन के अंदर रिविजन करके वो जो क्वेश्चन, आपको कॉन्टेंट तो कोई भी रिविजन नहीं करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, बट आपको क्वेश्चन को रिविजन करना पड़ेगा। रिविजन करने के बाद आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, इसमें आप बता देना कि सर हमारा ये जो रिविजन कंप्लीट हो गया है, हमको टेस्ट देना है। टेस्ट देने के लिए आप मैसेज करेंगे तो हमारा जो टीम आपके पास भेज देगा क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्मेट में, आप उसके बाद 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर आपको अच्छे से जेन्युइन तरीके से आपको टेस्ट देने के बाद इस नंबर में भेज देना। उसके बाद मेरे टीम एंड मैं भी लगभग आपका पूरा जो आंसर इवैल्यूएशन करके आपको 1 या 2 वर्किंग डेज के अंदर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ये जो बेनिफिट कोई नहीं प्रोवाइड करता है, मैं पर्सनली आपका जो आंसर को इवैल्यूएट करूंगा। ये रहेगा टोटल जीएसटी एंड इनकम टैक्स का 20 से 30 मार्क ईच रहेगा। उसके बाद आपका 200 मार्क टेस्ट रहेगा जो कि फुल सिलेबस का रहेगा, 100 मार्क टेस्ट रहेगा फुल सिलेबस का रहेगा 2 टाइम्स एंड यहाँ पे आपका जब पूरा कोर्स खत्म होगा आपको एक टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट आपका जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा ये जो कोर्स, जब फर्स्ट कंप्लीट होगा तो वहां पे आपको फर्स्ट टेस्ट देना है। उसके बाद सेकंड टेस्ट, जब फर्स्ट रिविजन आपका खत्म होगा तो फर्स्ट रिविजन के बाद आपको सेकंड टेस्ट देना है, ठीक है। फर्स्ट रिविजन के बाद आपको सेकंड टेस्ट देना है, तो यहाँ पे सेकंड टेस्ट आपको देना है फर्स्ट रिविजन के बाद। और उसके साथ और क्या प्रोवाइड होगा, और एक 100 मार्क्स का एमसीक्यू आपको मिलेगा टेस्ट, ठीक है। इसको भी आप जब फर्स्ट रिविजन के बाद आपको ये 100 मार्क का टेस्ट देना है एमसीक्यू, जो फर्स्ट रिविजन के बाद इसको देना है, ठीक है। फर्स्ट रिविजन के बाद ये जो 100 मार्क का एमसीक्यू टेस्ट आपको देना है, ये कोई भी नहीं देता है मार्केट में, इसके लिए बहुत पेड सर्विस लेते हैं जिसको बहुत सारा चार्ज करते हैं, बट हमारा जो सत्यरंजन क्लासेस का जो स्टूडेंट है उनके लिए ये पूरा फ्री रहेगा एंड इवैल्यूएशन भी फ्री रहेगा एंड टेस्ट देने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा एंड आपका टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट वो हो जाएगा। कैसे, जैसे आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, जैसे 3 घंटे से पहले आपका पूरा आंसर खत्म हो जाएगा, 100 मार्क खत्म हो जाएगा एंड वहां पे कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करोगे वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो जो 3 आवर एग्जाम पीरियड में कैसे आप उस टाइम मैनेजमेंट करोगे, ये टेस्ट देने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। चाहे आपका रिजल्ट क्या हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको टेस्ट ही देना है क्योंकि ये फ्री में मिल रहा है, प्लस आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करेगा, टाइम मैनेजमेंट भी करेगा। उसके बाद और क्या बेनिफिट है, और बहुत सारा बेनिफिट है, सरप्राइज है आपके लिए। उसके बाद आपका और क्या रहेगा, उसके बाद आपका 100% कॉन्सेप्ट नोट हम बनाएंगे क्लास में, ठीक है। ये कोई नहीं बताता है, 100% कॉन्सेप्ट नोट हम क्लास में बनाएंगे, 100% कॉन्सेप्ट नोट हम क्लास में बनाएंगे। जैसे आप हर एक कॉन्सेप्ट को लिखोगे, हम लिखोगे हर एक कॉन्सेप्ट के लिखेंगे तो बेनिफिट क्या होगा, तो बहुत सारा टीचर क्या बोलते हैं,
उनका बुक पकड़ा देते हैं, बोलते हैं कि जब क्लास खत्म हो जाएगा तो इसको पढ़ लेना। बट कैसे पढ़ेंगे वो सबसे बड़ा डाउट होता है, क्योंकि क्लास खत्म हो जाएगा और कहाँ से हम शुरू करेंगे। तो उसके लिए हम क्लास में ही कॉन्सेप्ट लिखाएंगे, तो आपका वो जो कॉन्सेप्ट आप जब एक बार लिख लोगे तो आपका दिमाग में पूरा आ जाएगा और फिट हो जाएगा। तो उसके बाद क्लास जब खत्म होगा उसी कॉन्सेप्ट नोट से आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे हम पूरा 100% कॉन्सेप्ट नोट क्लास में ही लिखाएंगे, जो कि आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा। कॉन्सेप्ट आप लिखोगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा एंड आपको लगेगा कि हाँ, हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। क्योंकि जब आपका क्लासेस के बाद 2-3 महीने के बाद आप जब पढ़ाई करोगे इसको, तो आपको लगेगा कि हाँ, हम इसको पढ़े हैं एंड रिविजन इतना बार हम करेंगे थे, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम 100% कॉन्सेप्ट नोट प्रोवाइड करेंगे एंड 100% रिटन कॉन्सेप्ट नोट करेंगे, क्लास में ही रिटन करेंगे। ठीक है, रिटेन दी होल कॉन्सेप्ट, हम होल 100% कॉन्सेप्ट हम क्लास में ही रिटेन करेंगे, ठीक है, राइट करेंगे। उसके बाद ये था आपका बेनिफिट। उसके बाद और क्या बेनिफिट है? और बेनिफिट है, ये भी कम बेनिफिट नहीं है, ये है आपका 100% क्वेश्चन। 100% क्वेश्चन हम क्लास में ही सॉल्व करेंगे, 100% क्वेश्चन विथ एमसीक्यू, 100% क्वेश्चन विथ एमसीक्यू हम क्लास में ही सॉल्व करेंगे, 100% क्वेश्चन विथ एमसीक्यू। क्योंकि हम इसको जो सॉल्व करेंगे, ये एग्जाम में आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, कैसे लिखोगे, उसी तरीके से हम जो क्लास में प्रैक्टिस करेंगे एंड सॉल्व करेंगे, जिससे एग्जामिनर वो सेटिस्फाई हो जाएगा आपका आंसर से। तो हम क्लास में ही हम 100% क्वेश्चन, जो भी हमारा क्वेश्चन बैंक है उसको हम पूरा 100% सॉल्व करेंगे क्लास में ही, 100% सॉल्व करेंगे क्लास में। एंड ये कौन सा पैटर्न में हम सॉल्व करेंगे? इन एग्जाम पैटर्न। एग्जाम में आप कैसे उसको शो करोगे, तो एग्जाम पैटर्न में हम उसको सॉल्व करेंगे पूरा विद एमसीक्यू, जो कि बहुत सारा टीचर इसको प्रोवाइड नहीं करते हैं। बोलते हैं कि ओनली वो जो प्रोविजन पढ़ा देंगे एंड क्वेश्चन एक दो बनाकर बोलेंगे हो गया, बट हम पूरा 100% सॉल्व करेंगे क्वेश्चन इन क्लास। मीन्स आपको होमवर्क कुछ नहीं करना है, नो होमवर्क आपके लिए, नो होमवर्क मीन्स कोई भी क्वेश्चन आप घर में नहीं बनाओगे, यहीं पे सब क्वेश्चन हम बनाएंगे, यहीं पे सब क्वेश्चन हम बनाएंगे, यहीं पे सब हम क्वेश्चन बनाएंगे। एंड आप पूरा तैयार रहेंगे कि जब आपको कोई बोलेगा कि टेस्ट देने के लिए एंड एग्जाम देने के लिए, आप उसी टाइम इमिडिएटली आप तैयार हो जाओगे टेस्ट देने के लिए। ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। और क्या बेनिफिट रहेगा? बहुत सारा बेनिफिट है, ठीक है, बहुत सारा बेनिफिट है। उसके बाद हम यहाँ पे आपका 100% डाउट सॉल्व करेंगे क्लास में, ठीक है, 100% डाउट सॉल्व करेंगे क्लास में। उसके लिए आपको क्लास के टाइम एंड उसके बाद भी हम आपको मेरा जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगा, चाहे वो टैक्सेशन रिलेटेड हो, चाहे वो अदर रिलेटेड है, तो उससे आप पूछ सकते हैं। एंड ये जो गाइडेंस आपका रहेगा, जो गाइडेंस या जो भी मोटिवेशनल वीडियो ये सब रहेगा आपका, एग्जाम से पहले तक नहीं है, एग्जाम के बाद भी आपके साथ रहेगा, ये जो गाइडेंस आपके साथ रहेगा डाउट सॉल्विंग। कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करके वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये 100% डाउट सॉल्विंग रहेगा आपके लिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम के बाद भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी अलग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये था। और क्या बेनिफिट है? यहाँ पे हम जो भी पढ़ेंगे पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल अप्रोच में जैसे आपका आगे जो आर्टिकल से आएगा, तो प्रैक्टिकल अप्रोच में हम सब सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स आपका प्रैक्टिकल रिलेटेड पेपर है, तो इसीलिए हम प्रैक्टिकल अप्रोच में इसको पढ़ेंगे, जैसे आपका आर्टिकलशिप में हेल्प होगा आगे जाकर, आपका आगे जाकर आर्टिकलशिप में हेल्प होगा, आर्टिकलशिप में ट्रेनिंग में वो हेल्प होगा आगे जाकर। तो हम पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच ही अडॉप्ट करेंगे, जैसे आपका आगे जाकर प्रैक्टिकल जो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग एंड कोई भी अदर ट्रेनिंग, जैसे देखेंगे क्लाइंट के वहां जाएंगे, रिटर्न कैसे भरते हैं, वो सब आपको हेल्पफुल रहेगा, पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच में हम पढ़ेंगे इसको। और क्या रहेगा? और क्लास में हम स्ट्रेस के लिए एंड क्लास में हम, ये तो फॉर्म के लिए, ठीक है, क्लास में हम, क्योंकि एक दिन में बहुत सारा क्लासेस रह जाता है, एक दिन में बहुत सारा क्लासेस रह जाता है, तो उसके लिए आपके ऊपर स्ट्रेस आ सकता है, क्योंकि 3-4 क्लासेस रहता है, अगर दोनों ग्रुप देंगे तो 3-4 क्लासेस रहता है एक दिन में। तो उसके लिए हम क्लासेस में ही क्लास विथ फॉर्म, जो कि म्यूजिक के साथ हम पढ़ेंगे, क्लास विथ म्यूजिक, तो आपको म्यूजिक भी हम सुनाएंगे, तो आपका स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा। तो ये सब बेनिफिट मेनली आपको प्रोवाइड करेंगे एडिशनल, जो कि इंडिया में
कोई नहीं प्रोवाइड करता है, हम वादा करते हैं कि आपको 80+ दिलाएंगे, 80+ दिलाएंगे। एंड आप भी लिख लीजिए और एक बार लिख लीजिए कि 80+ आपको लाना है टैक्सेशन पेपर में। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो आपको रैंक लाना है, तो इसके लिए ये जो अप्रोच मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या क्या हम प्रोवाइड करेंगे, तो आ जाइए हमारा जो टैक्सेशन में हम क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। तो टैक्सेशन में हम बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे अगर देखेंगे हम रिविजन 8 से 12 टाइम्स हम प्रोवाइड करेंगे बेनिफिट, उसके बाद जो रिविजन का बेनिफिट, उसके बाद रैंक और स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करेंगे जो कि इंडिया में अभी तक कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा है, फ्यूचर में इसको कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद हम 28 टेस्ट फ्री में आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें आपको 100 300 मार्क टेस्ट रहेगा पूरा। उसके बाद हम और क्या प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे आपको 100% पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लास में ही लिखवाएंगे। उसके बाद 100% क्वेश्चन विथ एमसीक्यू हम क्लास में ही सॉल्व करेंगे विथ एग्जाम पैटर्न में। उसके बाद यहाँ पे कोई भी होमवर्क नहीं रहेगा, 100% डाउट सॉल्विंग हो जाएगा। प्रैक्टिकल अप्रोच में हम आर्टिकल्स ट्रेनिंग में जैसे हेल्प होगा उसके लिए भी हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्लासेस में भी हम म्यूजिक के साथ पढ़ेंगे। तो ये सब बेनिफिट कोई नहीं देता है मेनली इंडिया में। तो ये जो बेनिफिट से आपको पता चल जाएगा कि आपका 80+ कंपल्सरली आएगा, 80+ कंपल्सरली आएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता है 80+ रखने में क्लास में रिजल्ट से। उसके बाद आपको यहाँ पे ये तो हो गया बेनिफिट, उसके बाद चलो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा क्लास के लिए। तो आपको आपके लिए ये है, आपको यहाँ पे क्लासेस के लिए, ये जो इनकम टैक्स एंड जीएसटी के लिए, क्लासेस के लिए आपको दो नोटबुक बनाना है, ठीक है। दो नोटबुक बनाना है आपको, ये जो इनकम टैक्स क्लासेस के लिए दो नोटबुक बनाना है, एंड ये जो ये है इनकम टैक्स के लिए, ठीक है। इनकम टैक्स मीन्स आईटी के लिए, एंड जीएसटी के लिए भी आपको दो नोटबुक बनाना है, दो नोटबुक बनाना है। तो दो नोटबुक में हम तो प्रोवाइड कर रहे हैं दो नोटबुक, तो वहां पे हम एक में आप एक नोटबुक में फर्स्ट में क्या करोगे, आपका कॉन्सेप्ट वहां पे लिखोगे। एक कॉन्सेप्ट नोट रहेगा और एक रहेगा आपका, और एक रहेगा आपका क्वेश्चन नोट। तो कॉन्सेप्ट नोट एंड क्वेश्चन नोट दो नोट रहेगा। तो कॉन्सेप्ट नोट थोड़ा बड़ा रहेगा, कॉन्सेप्ट नोट एंड क्वेश्चन नोट थोड़ा छोटा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे भी जीएसटी में भी वही रहेगा, कॉन्सेप्ट नोट रहेगा एंड क्वेश्चन नोट रहेगा। कॉन्सेप्ट नोट एंड क्वेश्चन नोट दो अलग अलग नोट आपके पास रहेगा, कॉन्सेप्ट नोट एंड क्वेश्चन नोट दो अलग अलग नोट रहेगा आपके पास। इसमें एक में हम कॉन्सेप्ट पूरा 100% कॉन्सेप्ट लिखेंगे और एक में 100% पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए आपको मेंटेन करना पड़ेगा, एंड जो भी एडिशनल बेनिफिट हम तो आपको प्रोवाइड करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आप यहाँ पे आ गए हैं तो आपका 80+ कंपलसरी आ जाएगा। आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आपको 80+ कंपलसरी आ जाएगा, एंड आप कोई भी टेंशन मत लीजिए, आप सब टेंशन हमारा हो गया है। आपको ओनली जो भी हम क्लास में पढ़ाएंगे उसी टाइम देना है, तो आपका 80+ आ जाएगा, रैंक भी आ जाएगा। तो चलो जीएसटी शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो चलो आज जीएसटी जो सेकंड पार्ट ऑफ दी टैक्सेशन, जीएसटी शुरू करते हैं, ठीक है। असली पढ़ाई जीएसटी शुरू कर देते हैं, चलो बिना कोई देरी से जीएसटी शुरू करते हैं असली पढ़ाई। तो अभी एक्चुअली स्टडी स्टार्ट हुआ, तो टैक्स किसको बोलते हैं अभी देखते हैं। टैक्स को समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। वो मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम है गोलू, मेरा एक फ्रेंड है गोलू, उसका नाम गोलू है। वो बहुत चालाक लड़का था और इंटेलिजेंट भी है। वो गया एक क्विज शो, खेलने के लिए, वो क्विज खेलने के लिए गया क्विज शो को, क्योंकि वो बहुत चालाक था तो इसलिए गया। और उसका क्विज शो का विनिंग प्राइस था 1 लाख। वो तो क्विज शो का विनिंग प्राइस था 1 लाख। तो वहां पे गया, वहां पे वो जीता, विन किया। और उसको वो जानता था कि उसको 1 लाख मिलेगा,
बट उसको 70,000 मिला और उसको बोले कि टैक्स कट गया, टैक्स रुपीज 30,000 कट गया। वो तो साइंस स्टूडेंट था, उसको तो पता नहीं था कि टैक्स क्या है। वो मेरे पास रोते रोते आया कि सत्या मेरा 30,000 टैक्स कट गया है, मेरे को 1,00,000 मिलना था लेकिन 70,000 मिला, तो क्यों कटा मेरे को बोला, रोते रोते बोला। मैंने उसको बोला कि तू बैठ यहाँ पे, थोड़ा सबर कर और पानी मैंने पी ले, मैं तुमको बोलता हूँ कि क्यों एक्चुअली वो 30,000 तुम्हारा टैक्स कट है और टैक्स क्या है और कब लगता है एक्चुअली क्या है टैक्स। और स्टूडेंट लोग आप भी समझिए टैक्स क्या है। तो मैं बोलू को थोड़ा पानी मानी दिया, वो तो रोता था, उसको थोड़ा पानी मानी दिया, तो उसको अभी समझाया कि टैक्स क्या। तो मैं उसको बोला, बोलू तुम्हारा सराउंडिंग में क्या क्या देखते हो, तो वो बोले बहुत सारा स्कूल कॉलेज बिल्डिंग ब्रिज और हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी रोड ये सब देखता हूँ पेड़। तो मैंने बोला जो तुम सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल और जो कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी रेलवे ये सब कहाँ से आता है पैसा। वो बोला वो तो गवर्नमेंट देता है, गवर्नमेंट सब हमारे लिए करता है। मैंने बोला नहीं बोलू, ये तुम जो अभी 30,000 टैक्स दे के आए हो उस टैक्स से गवर्नमेंट बनाता है ये सब ब्रिज बिल्डिंग स्कूल कॉलेज सब बनाता है। बोलू बोला है ऐसा है क्या, बोला हाँ ये ऐसा ही है, तुम जब कोई भी टैक्स देते हो ना वो टैक्स को लेकर गवर्नमेंट बिल्डिंग स्कूल कॉलेज सब बनाता है और बोलता है कि गवर्नमेंट बनाता है, एक्चुअली गवर्नमेंट हमारा जो टैक्स लेके सब कुछ बनाता है। बोलू बोला सच में ऐसे होता है, मेरे को और बताओ क्या क्या है एक्चुअली, कहाँ पे वो खर्च करता है वो जो टैक्स लेता है। मैंने बोला ठीक है तुम सबर करो मैं सब बताता हूँ, जो भी तुम स्कूल देख रहे हो कॉलेज हॉस्पिटल रोड रेलवे ब्रिज ये सब कौन बनाता है, बॉम्बे। सब कौन बनाता है, गवर्नमेंट। तो बोलू उसके बाद बोला कि ये टैक्स कौन लाया था इंडिया, क्यों लाया, वो बहुत बुरा चीज है, हमारा पैसा गवर्नमेंट लेता है और गवर्नमेंट हमको बोलता है कि हम करता हूँ सब बिल्डिंग ये घर रोड सब करता हूँ गवर्नमेंट, ये गलत चीज है, कौन लाया था। तो मैं उसको थोड़ा हिस्ट्री बताया कि टैक्स का एक्चुअली हिस्ट्री क्या है, और बच्चों आप भी सुनिए एक्चुअली हिस्ट्री क्या है टैक्स का, बहुत अच्छा लगेगा, टैक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। बोलू को लेकिन बुरा लग रहा है क्योंकि उसका 30,000 कट गया है ना, उसको बुरा लग रहा है। ये आपको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, आपको लिखना पड़ेगा कि मैं जो लिख रहा हूँ मेरे साथ लिखिए, एक्चुअली ये है टैक्स आपका टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड introduced in India by Sir James Wilson in
1860 तो टैक्स इंट्रोड्यूस किए थे सर जेम्स विल्सन इन 1860 इंडिया में। क्यों किए थे बोलो, पूछा क्यों किए थे? फॉर रिकवरी ऑफ लॉसेस टू दी गवर्नमेंट के लिए जीओबीटी लिखूंगा मैं, तो गवर्नमेंट के लिए मैं जीओबीटी लिखूंगा, उसके बाद आप समझ लेना जीओबीटी मीन्स गवर्नमेंट, टू दी गवर्नमेंट इन मिलिटरी वार, जो भी मिलिटरी वार हुआ था उसमें जो लॉस हुआ था गवर्नमेंट को, उसके लिए वो टैक्स इंट्रोड्यूस किए थे। मिलिटरी वार कब हुआ था वो? इन 1857। उसके बाद बहुत सारा अमेंडमेंट आया और इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन एक्चुअली टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था 1860 में, जो जेम्स विल्सन ने किया था। किस लिए किया था? जो लॉस हुआ था मिलिट्री वार में उसको रिकवर करने के लिए वो टैक्स इंट्रोड्यूस किए थे। तो ये किए थे जो भी वार में लॉस के लिए उसको रिकवरी करने के लिए, तो साथ जेम्स विल्सन ने किए थे, इंट्रोड्यूस किए थे, तो जो भी लॉस अकर हुआ था उसको रिकवरी करने के लिए वो इंट्रोड्यूस किए थे 1860 में। वार कब हुआ था? 1857 में। एक्चुअली ये आपका कोर्स का पार्ट नहीं है, बट लिख लो नॉलेज के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि टैक्स एक्चुअली कहाँ से आया था, कब आया था, ये आपको पता होना चाहिए। कोर्स में नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं है, लेकिन आपको इतना तो नॉलेज होना चाहिए ना। उसके बाद ये तो आपको पता चल गया है कि टैक्स कैसे आया था, तो अभी देखते हैं टैक्स क्या है। तो बोलू को अभी समझाएंगे टैक्स क्या है, बोलू बोल रहा है हाँ हाँ मेरे को चाहिए, समझना चाहिए क्योंकि नहीं तो मेरे फ्यूचर में और कट जाएगा मेरे टैक्स, तो इसलिए मेरे को जानना है टैक्स क्या है और कब लगेगा और किसको बोलते हैं टैक्स। अभी ब्रीफली देखेंगे टैक्स किसको बोलते हैं। तो टैक्स नॉट ए वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, नॉट ए वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, ये नहीं लिखना है, मैं जब बताऊंगा तब लिखना। टैक्स इज नॉट ए वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स ये चंदा या डोनेशन नहीं है, आपको टैक्स चंदा नहीं लगता है या डोनेशन नहीं लगेगा, आपको इसको देना पड़ेगा। तो टैक्स इज नॉट ए वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। तो टैक्स क्या है? एक एनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, टैक्स एक एनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। एनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स जो कॉन्ट्रीब्यूशन को हम यदि नहीं देंगे तो वो लीगली केस हो सकता है कोर्ट में। यदि कोई भी, हम लॉ के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े हैं कि यदि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो उसको हम केस कर सकते हैं कोर्ट में। तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन यदि नहीं देंगे तो गवर्नमेंट हमारे ऊपर केस कर सकता है इसको रिकवरी करने के लिए। तो ये एक इनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है, और इसको एक्सरसाइज कौन करता है? एक्सरसाइज एनी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, एक्सरसाइज एनी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, कोई भी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी उसको एक्सरसाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये है लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, उसको एक्सरसाइज करता है। तो टैक्स नॉट ए वॉलंटरी डोनेशन या कॉन्ट्रीब्यूशन, ये कोई भी चांदा नहीं है कि सब्सिडी नहीं है या डोनेशन नहीं है, इसको हमको देना पड़ेगा, ये कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, नहीं तो ये लीगली केस कर सकते हैं। तो ये एक एनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि एग्जेक्टेड पर्सुएंट टू एन लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी कौन है? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, दो ही अथॉरिटी है इंडिया में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है।
लेजिस्लेटिव अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटोरी भी स्टेट गवर्नमेंट के बराबर है, यूनियन टेरिटोरी भी हो सकता है लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। तो इसको टैक्स को क्या करेगा गवर्नमेंट, यूज करेगा फॉर पब्लिक सर्विसेज सच एज स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रेलवे, रोड, ब्रिज, इसके लिए गवर्नमेंट इसको यूज करेगा, यूज फॉर पब्लिक सर्विसेज सर्विसेज। समझ आया? तो क्या है टैक्स इज नॉट ए वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, क्या है एनफोर्स कंट्रीब्यूशन, जिसको लेजिस्लेटिव अथॉरिटी कोई भी एक्सरसाइज करता है और इसको यूज इसलिए करेगा कोई पब्लिक सर्विस के लिए सच एज स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड, ब्रिज, रेलवे के लिए इसको यूज करेगा गवर्नमेंट। तो अभी देख लेते हैं उसका प्रोविजन क्या है। प्रोविजन मैं जब लिखूंगा आप लिख लेना, साथ साथ लिख लेना, यही है टैक्स का एक्चुअली मीनिंग क्या है और डेफिनेशन क्या है। तो अभी देखते हैं उसका मीनिंग क्या है टैक्स। तो टैक्स को हम 3 पॉइंट में समझेंगे और इसको आपको पूरा लर्न करना है, मैं आपको लर्न करा दूंगा, टेंशन मत लो। तो टैक्स क्या है, पहले टैक्स पहला पॉइंट क्या है आप मेरे साथ लिखते जाइए, टैक्स इज नॉट ए वॉलंटरी वॉलंटरी डोनेशन डोनेशन और पेमेंट, ये कोई भी वॉलंटरी पेमेंट नहीं है कि डोनेशन नहीं है, पेमेंट तो ये वॉलंटरी पेमेंट नहीं है कि डोनेशन नहीं है। तो क्या है बॉड आर एनफोर्स कंट्रीब्यूशन, एक एनफोर्स कंट्रीब्यूशन, एग्जैक्टेड मीन्स एक्सरसाइजेबल, एग्जैक्टेड पर्सुएंट टू कोई भी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। तो इन अदर वर्ड्स टैक्स किसको बोलते हैं, तो टैक्स इज नथिंग, टैक्स इज नथिंग बट मनी दैट पीपुल हैव टू पे टू टी गवर्नमेंट व्हिच इज यूज्ड टू प्रोवाइड प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेस, तो कंप्लीट हो गया आपका लिखना। तो मेरे साथ बोलते जाइए, टैक्स इज नॉट ए वॉलंटरी पेमेंट और डोनेशन, तो क्या है एक एनफोर्स कंट्रीब्यूशन जो कि एक्सरसाइजेबल और एग्जैक्टेड पर्सुएंट टू एनी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी, और अदरवाइज टैक्स इज नथिंग बट द मनी पेड बाय द पीपल टू द गवर्नमेंट व्हिच इज यूज्ड टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विस। एक दो तीन तीन पॉइंट आपको याद करना है, टैक्स क्या है, टैक्स इज नॉट ए वॉलंटरी डोनेशन और पेमेंट। सेकंड पॉइंट क्या है, टैक्स एन एनफोर्स कंट्रीब्यूशन पर्सुएंट टू एनी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। थर्ड पॉइंट क्या है, टैक्स इज नथिंग बट द पीपल पेड द मनी टू द गवर्नमेंट दैट यूज फॉर प्रोवाइड पब्लिक सर्विस। तीन पॉइंट क्या है, टैक्स इज
नॉट ए वॉलंटियर डोनेशन और पेमेंट टैक्स रिटर्न एंड फोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जेक्टेड पर्सुएंट टू एनी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। थर्ड में क्या है, टैक्स इज नथिंग बट द मनी पेड बाय द पीपल टू द गवर्नमेंट दैट इज यूज्ड टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज सच एज स्कूल कॉलेज, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल बिल्डिंग और ब्रिज, रेलवे, हॉस्पिटल, इसके लिए वो यूज करेगा गवर्नमेंट। तो मेरे साथ बोलिए, अरे बच्चों मेरे साथ बोलिए, बोलेंगे जितना बार बोलेंगे तो आपका 80 प्लस रहेगा, नहीं बोलेंगे तो कैसे होगा। और बोलू भी मेरे साथ बोलता जा रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा मेरे साथ, बोलिए टैक्स इज नॉट ए वॉलंटियर कॉन्ट्रीब्यूशन और डोनेशन और पेमेंट टैक्स एनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन पर्सुएंट टू लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। थर्ड में टैक्स इज नथिंग बट द मनी पेड बाय द पीपल टू द गवर्नमेंट दैट इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विस। हो गया, और एक बार बोलो टैक्स क्या है। इसको एग्जाम में भी आ सकता है, इसको एग्जाम में भी लिखना है। जब क्वेश्चन आंसर हम करेंगे आपको बता दूंगा कि कैसे इसको यूज करना है, ये जो डेफिनेशन का। तो टैक्स क्या है, टैक्स इज नॉट ए वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन और डोनेशन ऑफ पेमेंट, टैक्स इज एन एनफोर्स कंट्रीब्यूशन एग्जेक्टेड पर्सुएंट टू लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। टैक्स इज नथिंग बट द मनी पेड बाय द पीपल दैट इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज। तो ये तो समझ आ गया, अभी देखेंगे कि टैक्स कितने टाइप्स का है, टैक्स किसको बोलते हैं, समझ आ गया, कहाँ से आया था, हिस्ट्री क्या था, क्यों लगता है और क्या है टैक्स दो टाइप्स का, इसको देखते हैं। मैं जो बोलूंगा उस टाइम आपको लिखना पड़ेगा, अभी नहीं लिखना है, ओनली समझना है क्या है टैक्स। तो टैक्स टैक्स है टू टाइप्स का है, एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहले देखते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल गोलू, गोलू पेमेंट किया गवर्नमेंट को जो भी 30,000 30,000 जो पेमेंट किया रुपीज 30,000 वो है डायरेक्ट टैक्स। टैक्स ये है डायरेक्ट टैक्स क्योंकि बोलू डायरेक्टली पेमेंट कर दिया गवर्नमेंट को। बट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है पता है, कोई भी जब कोई भी प्रोडक्शन कोई भी गुड्स या सर्विस के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स या सर्विस के ऊपर लगता है, गुड्स या सर्विस ऊपर लगता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक गुड्स है बिस्किट, तो जब बिस्किट प्रोडक्शन होता है तो जो भी मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरर वो जब कोई भी बिस्किट सेल करता है किसको, होलसेलर को, तो वो टैक्स लगाता है यहां पे, टैक्स ऑन जो भी बिस्किट के ऊपर, बिस्किट के ऊपर लगाता है। उसके बाद होलसेलर किसको सेल करता है, जो भी रिटेलर है, दुकानदार जो है उसको रिटेलर बोलते हैं, रिटेलर वो वहां पे चार्ज करता है। और रिटेलर किसके ऊपर चार्ज करता है, हमारे जैसे कस्टमर के ऊपर, कस्टमर के ऊपर वो भी टैक्स सब चार्ज होता है। फाइनली हम ही टैक्स देते हैं, जो अल्टीमेट कस्टमर वो टैक्स पेमेंट करता है। ये सब टैक्स चार्ज करके उनका जो भी टैक्स पेमेंट किए थे वो सब ले जाते हैं, लेकिन जो फाइनल कस्टमर वो टैक्स देता है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स ये है गवर्नमेंट, तो डायरेक्ट पेइंग डायरेक्ट टैक्स हो गया, वो डायरेक्टली पे होकर चला जाता है गवर्नमेंट के पास। पर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सब घूम घाम कर जो भी आता है गवर्नमेंट के पास इनडायरेक्टली आता है, जैसे यहां से यहां आया, उसके बाद यहां आया, उसके बाद यहां आया,
तो टैक्स एक्चुअली इनडायरेक्ट टैक्स में घूम कर आता है और डायरेक्ट टैक्स में डायरेक्टली चला जाता है, डायरेक्ट टैक्स। तो और कुछ जानते हैं डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में? तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस कौन बियर करता है, जो भी पेमेंट करता है डायरेक्टली, वो इंसिडेंस हिमसेल्फ, हम जो यहाँ पे गोलू बियर करेगा इंसिडेंस, क्योंकि उसके पॉकेट से जाएगा टैक्स, गोलू बियर्स की टैक्स, बियर्स द इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, वो जो पेमेंट करता है मैन्युफैक्चरर, वो कलेक्ट कहां से करता है, कलेक्ट फ्रॉम अल्टीमेट कस्टमर, अल्टीमेट कस्टमर से वो कलेक्ट करता है जो टैक्स है। तो ये गोलू यहां भी बियर करता है, जो भी पर्सन पेमेंट करता है वो हिमसेल्फ बियर करता है, बट इनडायरेक्ट टैक्स में वो शिफ्ट कर देता है इंसिडेंस। तो यहां पे बियर्स हिमसेल्फ टैक्स, हिमसेल्फ, बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, शिफ्टिंग कर देगा उसका टैक्स बर्डन, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन। और कुछ देखते हैं डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का क्या डिफरेंसेस है। तो डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर, प्रोग्रेसिव है, मैं बताता हूं प्रोग्रेसिव क्या है। प्रोग्रेसिव क्या है, यदि जो भी टैक्स पेयर हमारा यदि इनकम बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ेगा, यदि इनकम घटेगा तो टैक्स भी घटेगा। तो प्रोग्रेसिव मीन्स इनकम बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा, इनकम घटेगा तो टैक्स घटेगा, यह है प्रोग्रेसिव इन नेचर। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव है, रिग्रेसिव मीन्स टैक्स का कोई मतलब नहीं है इनकम से, हमको टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि हमारे हाथ में टैक्स नहीं है ना, हमको ओनली टैक्स देना है। टैक्स तो चार्ज करते हैं जो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, हमको ओनली टैक्स देना है। हमारा इनकम कितना भी हो टैक्स से कोई मतलब नहीं, टैक्स तो देना पड़ेगा। तो ये है रिग्रेसिव इन नेचर, मीन्स इनकम से कोई मतलब नहीं है टैक्स का। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल है। तो डायरेक्ट टैक्स का तो एग्जाम्पल आपको पता है, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल बहुत है, जैसे वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी और सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये सब एग्जाम्पल है। तो इनकम टैक्स है डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है, इनकम टैक्स। इसमें वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, इसको हम अच्छे से समझेंगे, पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस, उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे क्या है ये टैक्स सब। वैट जो कि है, वैल्यू एडेड टैक्स, ये सब अभी उठ गया है, हट गया है, अभी जीएसटी और कस्टम ड्यूटी है, बट ये सब पहले था इनडायरेक्ट टैक्स में। वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये इंपोर्ट के ऊपर लगता है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद सर्विस टैक्स, सर्विस के ऊपर लगता है, जैसे हम ट्यूशन फी चार्ज करते हैं तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स पहले देते थे, अभी तो जीएसटी लग रहा है। उसके बाद आपका एक्साइज ड्यूटी, जो कि मैन्युफैक्चरर के ऊपर लगता है, जो भी मैन्युफैक्चर होता है, एक्साइज ड्यूटी, ये सब था इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल, ये सब लगता था पहले, अभी तो हट गया है, अभी जीएसटी आ गया है, तो जीएसटी भी इसमें आ गया,
एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स, ये है मेजर टैक्सेस। तो चलते हैं क्या क्या मेजर डिफरेंसेस देखते हैं। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है, जो भी पर्सन पेमेंट करता है डायरेक्टली टू दी गवर्नमेंट। बट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो भी पेमेंट करता है गवर्नमेंट को वो कलेक्ट करता है सेम हम दी अल्टीमेट कस्टमर, ये है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंट खुद बियर करता है, हिमसेल्फ बियर करता है, बट इनडायरेक्ट टैक्स में शिफ्ट कर देता है बियर। जैसे मैन्युफैक्चरर शिफ्ट करता है होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कस्टमर को बियर करता है। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर, मीन्स इनकम बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा, इनकम घटेगा तो टैक्स भी घटेगा। और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर, मीन्स इनकम से टैक्स का कोई मतलब नहीं है, टैक्स देना पड़ेगा, इनकम चाहे बढ़े या घटे। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल बहुत सारा है, बट अभी आपके एग्जाम के लिए जीएसटी कस्टम ड्यूटी है एग्जाम्पल। बट बहुत सारा था पहले, VAT था, सेल्स टैक्स था, कस्टम ड्यूटी था, सर्विस टैक्स था, और कस्टम ड्यूटी तो अभी है, एक्साइज ड्यूटी था, ये सब था। तो अभी लिख लेते हैं क्या है, मेरे साथ लिखना। थोड़ा दिक्कत होता है, लिख लेना उसके बाद। तो क्या है डिफरेंसेस इन, आप यहां से लिख दीजिए मैं जो बता रहा हूं। तो टैक्स इज टू टाइप्स, ये लिख लेना क्या है, डायरेक्ट टैक्स मेरा ड्राइंग बहुत बुरा है ना, अच्छा नहीं है, आप एडजस्ट कर लेना। इनडायरेक्ट टैक्स तो देखते हैं, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है, पेयर ऑफ टैक्स, जो भी पेमेंट करता है, पेयर ऑफ टैक्स डायरेक्टली पे टू दी गवर्नमेंट। बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, पेयर ऑफ टैक्स पेड टू दी गवर्नमेंट बट कलेक्ट फ्रॉम दी अल्टीमेट कस्टमर, जो कि अल्टीमेट कस्टमर होगा उससे कलेक्ट कर ले। अल्टीमेट कस्टमर से कलेक्ट कर ले, ये है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का पहला पॉइंट है डिफरेंस। दूसरा पॉइंट क्या है, द पर्सन बियर्स द इंसिडेंस ऑफ टैक्स इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स बर्डन ऑफ टैक्स। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड डिफरेंसेस, ये है प्रोग्रेसिव इन नेचर डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, प्रोग्रेसिव इन नेचर।
फोर्थ पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट एग्जाम खुद लिख लेते हैं, क्या है इसमें मेजर एग्जाम्पल। तो मेजर एग्जाम्पल आपको पता होगा इनकम टैक्स, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इनकम टैक्स। और इसमें एग्जाम्पल क्या है, जो कि अभी नया आया है जिसको हम पढ़ेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। तो ये है आपका डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, तीन है डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के देखेंगे डिफरेंसेस। तो मेजर तीन डिफरेंसेस और एक एग्जांपल है। तो तीन डिफरेंस क्या है, पे द टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, पे टैक्स करता है डायरेक्ट टैक्स में, बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, पे टैक्स पेमेंट करता है टू द गवर्नमेंट बट कलेक्ट टू द अल्टीमेट कस्टमर। सेकेंड डिफरेंसेस क्या है, यहाँ पे खुद बियर करता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, वो शिफ्टिंग का बर्डन हो जाता है, यहाँ पे मीन्स जो मैन्युफैक्चरर वो शिफ्ट कर देता है बर्डन कस्टमर के ऊपर। डायरेक्ट टैक्स क्या है, प्रोग्रेसिव इन नेचर, इनकम बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा, इनकम घटेगा तो टैक्स घटेगा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, रिग्रेसिव इन नेचर, इनकम का कोई भी लिंक नहीं है टैक्स के साथ, टैक्स को देना पड़ेगा। और एग्जाम्पल क्या है डायरेक्ट टैक्स का, इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का क्या है, जीएसटी कस्टम ड्यूटी। अलग सब टैक्स अभी हट गया है और कुछ इंक्लूडेड हो गया है, अभी बाकी ओनली जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी है जो मेजर इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। तो मेरे साथ और एक बार बोलो, अरे बच्चों और एक बार, यही लास्ट कॉन्सेप्ट, इसको खत्म कर लेंगे तो आपका आज का क्लास खत्म हो जाएगा। मेरे साथ और एक बार बोल दो, बोलेंगे तो आपका मार्क 80 प्लस रहेगा, क्योंकि जितना बार रिवीजन करेंगे ना आपका उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और लर्न हो जाएगा। मेरे साथ और एक बार बोलो, डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। डायरेक्ट टैक्स का है जो पेयर पे दी टैक्स डायरेक्टली टू दी गवर्नमेंट, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, पेयर पे टू दी गवर्नमेंट बट कलेक्ट टू दी अल्टीमेट कस्टमर। डायरेक्ट टैक्स क्या है, उसका जो ये है इंसिडेंस खुद बियर करता है, बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स हो जाता है बर्डन ऑफ टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स क्या है, प्रोग्रेसिव इन नेचर, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, रिग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है जीएसटी कस्टम ड्यूटी। तो अभी देखते हैं आज क्या क्या पढ़े हो, तो आज कुछ भी नहीं पढ़े हैं, देखे हैं टैक्स एक्चुअली जो गोलू का एक एग्जाम्पल दिए, उसके बाद टैक्स कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो टैक्स इंट्रोड्यूस किए थे सर जेम्स विल्सन ने 1860 में, इसलिए किए थे जो भी मिलिट्री वॉर हुआ था उसमें जो लॉस अकर हुआ था किसको, गवर्नमेंट को, वो जो मिलिट्री वॉर जब 1857 में हुआ था उसको रिकवरी करने के लिए वो टैक्स इंट्रोड्यूस किए थे। उसके बाद बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ और टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ जो इनकम टैक्स। टैक्स किसको बोलते हैं, टैक्स इज नॉट ए डोनेशन और वॉलंटियर पेमेंट और डोनेशन, टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। और टैक्स इज एन एनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जेक्टेड पर्सुएंट टू एनी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। और टैक्स इज नथिंग बट द मनी पेड बाय द पीपल टू द गवर्नमेंट एंड यूज बाय द गवर्नमेंट फॉर द यूज ऑफ पब्लिक सर्विसेज। तो और अगर देखते हैं टैक्स क्या है, टैक्स इज नॉट ए वॉलंटियर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट, टैक्स इज एन एनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जेक्टेड पर्सुएंट टू एनी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। Tax is nothing but the money paid by the people to the government that government used for the public services. Public services क्या क्या था, जो hospital, government का जो school, college, railway और road, bridge, इसके लिए government use करेगा उसको। Tax के बाद हम देखें क्या उसका जो उसको लिख लिए, जो भी tax का तीन point था उसका देखें। Tax two types का था, direct tax और indirect tax। Direct tax किसको बोलते हैं, जो भी director जो payer paid tax to the government directly। Indirect tax क्या था, जो भी पेमेंट करता है वो कलेक्ट करता है फ्रॉम द अल्टीमेट कस्टमर। डायरेक्ट टैक्स इंसिडेंस पेयर करता है जो पेयर, बट इनडायरेक्ट टैक्स में वो शिफ्टेड हो जाता है टू द अल्टीमेट कस्टमर। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर, मीन टैक्स इनकम बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा, इनकम घटेगा तो टैक्स भी घटेगा। और रिग्रेसिव इन नेचर है इनडायरेक्ट टैक्स, मीन्स इनकम से कोई मतलब नहीं है टैक्स का, टैक्स देना पड़ेगा। और डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल था कि इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल था बहुत सारा देखे, बट इनडायरेक्ट टैक्स का मेजर जो अभी है वो है जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी, इसको हम बाद में पूरा देखेंगे।
डेली आज पढ़े हैं, टू टाइप्स ऑफ टैक्स ये ही पढ़े हैं। और एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं, जो गोलू का एग्जाम्पल देखा उसके बाद टैक्स टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था 1860 में, कौन किए थे, सर जेम्स विल्सन ने। मेरे साथ बोलो, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है, अच्छे से बोलो बेटा, अच्छे से बोल दे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा कि हाँ आज पढ़ाई की है तो बच्चे कुछ मेरे से, तो अच्छे से पढ़ाई करो, मेरे साथ बोलो। टैक्स इंट्रोड्यूस कौन किए थे, सर जेम्स विल्सन ने, कब किए थे, 1860 में। किसके किए थे, जो भी मिलिटरी वॉर हुआ था 1857 में, उसमें जो लॉस हुआ था उसको रिकवरी करने के लिए वो इंट्रोड्यूस किए थे, गवर्नमेंट को जो लॉस हुआ था। उसके बाद टैक्स क्या है, 3 पॉइंट था मेरे साथ, 3 पॉइंट। पहला था टैक्स इज नॉट ए वॉलंटरी पेमेंट और डोनेशन, चंदा नहीं है, डोनेशन नहीं है, इसको देना पड़ेगा। क्या था, एंड व्हाट एन एनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन पर्सुएंट एग्जैक्टली पर्सुएंट टू एनी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, कौन था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, जो कि लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। और टैक्स इज नथिंग बट द मनी पेड बाय द पीपल टू द गवर्नमेंट दैट यूज फॉर द पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विसेज क्या क्या था, जो भी स्कूल कॉलेज रेलवे रोड ब्रिज इसके लिए वो यूज करेगा। उसके बाद क्या पढ़े थे, टैक्स टू टाइप्स का था, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, जो भी पेयर पे टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो पेयर पे करता है टैक्स बट कलेक्ट द अल्टीमेट कॉस्ट। डायरेक्ट टैक्स में क्या था, जो बियर्स द इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या था कि जो शिफ्टेड हो जाता है बटन ऑफ टैक्स। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जीएसटी कस्टम ड्यूटी। तो यहाँ पे आपका पहला क्लास खत्म हुआ, बट मैं जो बताया था कि आपको हर एक क्लास में स्ट्रैटेजी एक बताऊंगा जो रैंक होल्डर फॉलो करते हैं, मैं भी करता था। तो वो स्ट्रैटेजी आज क्या है आप लिख लेना आपके नोट में, मैं थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ। आप जब पहले बार रिविजन करोगे, अभी नहीं करना है, जब पहले बार रिविजन करना है तब एक सीट बनाना है हर एक बुक के लिए। जितना भी आपका 8 बुक है, जो भी फर्स्ट बुक दे रहे हैं उसके लिए 4 बुक है, तो उसके लिए एक सीट बनाना है। उस सीट में क्या रहेगा, आपका चैप्टर रहेगा और उसका क्वेश्चन रहेगा। जितना भी क्वेश्चन है 10, 20 या 30, 40 जितना भी क्वेश्चन रहेगा, थ्योरी या प्रैक्टिकल, आपको कितना टाइम लगा रिविजन में, पहला रिविजन में आपको वहां पे लिखना है, मिनट कितना मिनट या घंटा में लगा, तो आपको मिनट में लिखना है। लिखने से क्या होगा, आपको बेनिफिट पता है, जब आप दूसरे बार रिविजन करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कितना टाइम लगा हर एक क्वेश्चन में, और आपका टाइम कंज्यूमिंग बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे मेरा लैग होता है। और रिविजन जो फर्स्ट रिविजन में कितना टाइम लगा, तो सेकेंड रिविजन में आप सोचेंगे कि कम टाइम लगाने के लिए, तो आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा और रिविजन मैनेजमेंट भी हो जाएगा। ये बहुत सारा जो रैंक होल्डर उसको फॉलो करते हैं, तो आप भी फॉलो करो। और कैसे बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको पहले यहाँ पे स्ट्रैटेजी 1 है, स्ट्रैटेजी 1 क्या है, आपको जितना भी एक चैप्टर, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, मैं जीएसटी पढ़ाता हूँ तो जीएसटी देखते हैं, इनकम टैक्स भी देखेंगे, लेकिन जीएसटी हर चैप्टर के लिए आपको करना पड़ेगा हर बुक के लिए। तो ये है जीएसटी में कितना चैप्टर है, पहले कुछ चैप्टर ले जाते हैं, ऐसे पूरा रहेगा जितना भी चैप्टर आपका है। इंट्रोडक्शन पहला चैप्टर है, एक पेज में नहीं आएगा तो 2-3 पेज बना देगा। दूसरा है सप्लाई, आपको बाद में पता चलेगा कि ये चैप्टर है, मैं लिख लेता हूँ, लेवी चैप्टर, लेवी ऑफ जीएसटी, और 4 चैप्टर है एग्जिमिशन। इसे एक पेज में नहीं आएगा, आपको 2-3 पेज में इसे बना देना जितना भी चैप्टर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख देना है, जो भी रेस्पेक्टिव चैप्टर का क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर को आप कलम बना देना, जितना भी चैप्टर है उसको कलम बना देना। जब ये आपका फर्स्ट रिविजन जब चलेगा तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख लेना, जैसे 1, 2, 3, ऐसे जितना भी क्वेश्चन है आपका एक चैप्टर में, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अभी जब क्वेश्चन लिख लेना, तब जब कितना टाइम लगता है आपको सामने
एक वॉच रखना है, क्योंकि कितना टाइम लग गया तो आपको वॉच में देखना है। फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन चैप्टर छोटा सा चैप्टर थ्योरी बेस है, तो आपको इसे 4 मिनट, कोई क्वेश्चन में 2 मिनट, कोई क्वेश्चन में 7 मिनट, कोई क्वेश्चन में 9 मिनट, ऐसे ही लिख लेना। तो आपको पता चल जाएगा कि ये टोटल जब होगा, तो फॉर एग्जाम्पल इसमें है 12 क्वेश्चन, 12 या 13 क्वेश्चन है, तो आपको पता चल जाएगा कि 60 मिनट मीन्स आपको 1 आवर लगा ये चैप्टर का क्वेश्चन करने के लिए। आप रिवीजन के लिए भी लिख सकते हैं कितना टाइम। मेरे तो रिवीजन वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में है, और मैं भी रिवीजन वीडियो हर एक जो टर्म के लिए छोड़ता हूँ, तो आपको रिवीजन वहां से मिल जाएगा। आपको ओनली क्वेश्चन आंसर करना है, ऐसे सप्लाई चैप्टर का भी करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 मिनट, 8, 4, कुछ भी जो भी लगेगा यहाँ पे लिख लेना, तो आपको पूरा पता चल जाएगा जब रिवीजन खत्म होगा। ऐसे अकाउंट्स का भी करना है, लॉ का, ऑडिट का करना है, टैक्सेशन कॉस्ट, FM, EIS, ऐसे पूरा हर चैप्टर का करना है और हर बुक का करना है। करने से आपको पता चल जाएगा कि रिवीजन कितना टाइम लगता है और कितना टाइम लगेगा। और एग्जाम से पहले दिन आपको जो 1.5 दिन मिलता है, 1.5 डेज, वहां पे पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन मेरे को करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। ये फॉलो करो स्ट्रिक्टली, क्योंकि आपको रैंक लाना है। तो यहाँ पे आपका पहला जो स्ट्रैटेजी था खत्म हो गया, और आपका पहला क्लास भी खत्म हो गया। कल अच्छे से फिर पढ़ेंगे, और जोश के साथ पढ़ेंगे, एनर्जी के साथ। तो बाय बाय, अच्छे से पढ़ेंगे।